छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए कल शाम से प्रचार प्रसार बंद हो गया है और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। जिन 20 सीटों पर वोट डालेंगे उनमें 12 सीटें बस्तर संभाग की है। सभी सीटों पर इस समय कांग्रेस काबिज है, लेकिन आने वाले चुनाव में आंकड़े बदल सकते हैं। इस वक्त भाजपा 5 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस अपने खाते की 12 में से सिर्फ 3 सीट पर मजबूत दिख रही है। बाकी 4 सीटों पर कड़ी टक्कर साफ तौर पर देखी जा सकती है। बस्तर की एकमात्र सामान्य सीट यानी जगदलपुर की बात करें तो यहां मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है। राजनीति में अपने बयानों के लिए मशहूर कवासी लखमा इस बार अपने ही क्षेत्र में विरोध झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीसीसी के पूर्व चीफ मोहन मरकाम को पूर्व मंत्री लता उसेंडी बराबर का टक्कर दे रही है। बात करें सुकमा जिले की तो सुकमा जिले में एकमात्र सीट खूंटा विधानसभा आता है। यहां से कांग्रेस नेता और आबकारी मंत्री कवासी लखमा विधायक हैं। वे इस विधानसभा से लगातार 5 बार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं और इस बार यानी 6वीं बार भी फिर मैदान में हैं। लखमा की शहरी इलाके में स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन ग्रामीण बहुल इस सीट पर कई गांवों में कवासी लखमा को लेकर भारी नाराजगी भी देखी गई है। चाहे फर्जी एनकाउंटर का मामला हो, चाहे जेल में बंद ग्रामीणों की रिहाई को लेकर यहां के ग्रामीण खासा नाराज जरूर दिखे हैं। बात करें दरभंगा, गोलरी, रेड्डीपल्ला, गारीदास समेत कई इलाकों में लखमा को इस मुद्दे को लेकर आदिवासियों का अच्छा खासा विरोध झेलना पड़ा है। इस विधानसभा में सीपीआई के मनीष कुंजाम भी रेस में हैं, लेकिन इस बार उनका चुनाव चिन्ह बदल गया है। उन्हें एसी चुनाव चिन्ह मिला है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मनीष कुंजाम इस बार कोंटा विधानसभा के सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। चुनाव चिन्ह के कारण मनीष कुंजाम को थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ सकता है। वहीं कवासी लखमा के प्रति नाराजगी से सोया मुका यानी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं को भी फायदा मिलने की बात कही जा रही है। अब बात करें बस्तर इलाके के ही तो दंतेवाड़ा विधानसभा सीट में यहाँ कांग्रेस से महेंद्र और देवती वर्मा के बेटे छविंद्र वर्मा चुनावी मैदान में हैं। इसके चलते परिवारवाद का विरोध हो रहा है। यहां से कांग्रेस नेता अमूलकर नाग भी टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय मैदान में डटे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की परेशानी बढ़ा सकता है। दंतेवाड़ा में बेरोजगारी आज भी बड़ा मुद्दा है। दंतेवाड़े की जनता ने हर बार अपना नेता बदला है। 2003 में महेंद्र कर्मा विधायक थे, 2008 में भाजपा के भीमा मंडावी विधायक बने, 2013 में फिर कांग्रेस का कब्जा हुआ, लेकिन 2018 में फिर सीट भाजपा के खाते में चली गई। 2019 में नक्सलियों ने भीमा की हत्या कर दी, जिसके बाद हुए उपचुनाव में देवती को जीत मिली और सीट कांग्रेस के पास चली गई। बात कोंडागांव की तो इस जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, एक कोंडागांव और दूसरा केशकाल। कोंडागांव में वर्तमान में मंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या पूर्व मंत्री लता उसेंडी आमने सामने हैं। यहां जनता दोनों से नाराज दिख रही है। आमजन आरोप लगाते दिखे हैं कि दोनों ने ही विधायक और मंत्री रहते इलाके में कोई भी काम नहीं किया। गांव में सड़क, पानी की व्यवस्था और आंगनवाड़ी खोलने जैसे मूलभूत जरूरी काम भी नहीं हो पाए हैं। केशकाल विधानसभा में आज के समय में विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस के संतराम नेताम हर बार यहां से जीतते आ रहे हैं। इस बार उनके मुकाबले में भाजपा के रिटायर्ड आईएएस नीलकंठ टेकाम मैदान में हैं। लोग दोनों ही प्रत्याशियों को अच्छा मान रहे हैं। हालांकि केशकाल घाटी और सड़कें नहीं बनने से लोगों को तकलीफ जरूर उठानी पड़ रही है। दोनों ही सीटों पर भाजपा कांग्रेस के बीच 50-50 का मुकाबला दिख रहा है।
बात करें बस्तर की, तो बस्तर में सड़क, बिजली और पानी अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बस्तर के कई इलाके में जो गांव में है, फ्लोराइड युक्त पानी की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। लोगों का कहना है कि सरकार बदलती है लेकिन साफ पानी उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। यहां कांग्रेस के उम्मीदवार लखेश्वर बघेल का व्यक्तिगत लहर जरूर देखी जा रही है, लेकिन काम नहीं होने की नाराजगी भाजपा के मनीर राम कश्यप का पक्ष भी कहीं न कहीं मजबूत करते हुए दिख रही है। चित्रकूट विधानसभा में कांग्रेस के पीसीसी चीफ व सांसद दीपक बैज और भाजपा के विनायक गोयल आमने सामने हैं। विनायक गोयल से एक समाज नाराज भी दिखा है। यहाँ उनका जो गाली कांड वाला जो वीडियो है वो लोगों के बीच छाया हुआ है। कांग्रेस एमएलए राजमन बेंजाम को टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थक दीपक बैज को नुकसान पहुंचाने की फिराक में हैं। फिलहाल चित्रकूट विधानसभा से दीपक बैज थोड़े मजबूत जरूर दिख रहे हैं। अब बात करें जगदलपुर की, तो इस सीट पर दो पूर्व महापौर मैदान में हैं। यहां शहरी मतदाताओं की संख्या अधिक है। लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले लुभाव में वादे किए जाते हैं, चुनाव के बाद सड़क, बिजली, पानी, नाली सब की स्थिति जस की तस बनी हुई है। बाजार में पार्किंग की सुविधा शेड नहीं है। जगदलपुर विधानसभा में दोनों प्रत्याशियों जो पूर्व महापौर हैं दोनों, उनके बीच मुकाबला 50-50 यानी बराबरी का माना जा रहा है। बीजापुर की बात करें तो यहाँ पानी की समस्या और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। आमजनों को भाजपा और कांग्रेस से नाराजगी है कि सरकार में रहते हुए पानी की समस्या का निराकरण नहीं किया गया, न तो विकास के कुछ काम हुए। यहां कांग्रेस से निष्कासित प्रत्याशी अजय सिंह के समर्थक भी खासा नाराज हैं। बीजापुर में अंदरूनी तौर पर भीतरघात की स्थिति जरूर बन रही है। भाजपा की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक यहां दिख रही है। बात नारायणपुर की, तो यहां अबूझमाड़ में धर्मांतरण का मामला जोर पकड़े हुए है। चर्च में तोड़फोड़ के बाद एक वर्ग कांग्रेस से भी खफा जरूर दिख रहा है। लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने उनका समर्थन नहीं किया। वहीं ईसाई समाज की भी कांग्रेस से नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे में पासा पलट सकता है। माइनिंग के लोडिंग ट्रकों के चलते जर्जर हो चुकी सड़कें भी लोगों के विरोध का कारण बन रही है। ओरछा ब्लॉक के कई गांवों ने तो चुनाव बहिष्कार की बात भी कही है। माइनिंग का काम अब बंद कराने को लेकर आंदोलन तक पर बैठे हुए हैं लोग। इस इलाके में मतदान प्रतिशत कम होगा तो नुकसान कांग्रेस को ही झेलना पड़ेगा। भाजपा के लिए माहौल फिलहाल यहां ठीक दिख रही है। कांकेर विधानसभा में कांग्रेस ने कांकेर और अंतागढ़ सीट पर अपने प्रत्याशियों को इस बार बदल दिया है। अंतागढ़ में कांग्रेस के एमएलए अनूप नाग ने टिकट न मिलने पर पार्टी से बगावत कर दी है और वे निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में भाजपा को इसका फायदा जरूर मिल सकता है। हालांकि भानुपुर प्रतापपुर में कांग्रेस की स्थिति अच्छी दिख रही है। खदान के चलते बंजर होती जमीन और जिला बनाने की मांग भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ से उठती ही रही है। इस बार भी इसे लेकर माहौल जरूर बना हुआ है। बस्तर में नगरनाल प्लांट रोजगार की उम्मीदें लेकर जरूर आया है। चुनाव में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा इसका निजीकरण करना चाहती है। अमित शाह जब बस्तर दौरे पे थे तो उन्होंने भरे मंच से कहा कि वो किसी भी कीमत पर इसका निजीकरण नहीं करने देंगे, नहीं होगा इसका निजीकरण। लोगों के बीच नगरनाल प्लांट के निजीकरण को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। इसी बीच सीएम बघेल भी आरोप लगाते रहे हैं कि भाजपा नगरनाल का निजीकरण करके रहेगी। वह कहते भी दिखे हैं कि भाजपा के इस मंसूबे को वो कभी पूरा होने नहीं देंगे। बस्तर की बात हो और धर्मांतरण का मुद्दा न आए, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे बस्तर में धर्मांतरण को लेकर माहौल गर्म है। नारायणपुर में इसे लेकर एसपी पर हमला भी हो चुका है। गांव-गांव में चर्च खोले जाने से गांव में ही संघर्ष चल रहा है। लोग ईसाई धर्म अपनाने वालों के शव को भी दफनाने नहीं दे रहे हैं, ऐसी खबरें हमारे और आपके बीच लगभग अमूमन आते ही रही है।
इसे लेकर भाजपा आक्रामक है। कांग्रेस का आरोप है कि सबसे ज्यादा चर्च भाजपा शासनकाल में खोले गए हैं। नक्सलवाद आज भी बस्तर का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लगातार फोर्स की तैनात बढ़ रही है। इसका गांव वाले विरोध भी करते आ रहे हैं, मगर नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जैसे जिलों में आज भी नक्सल प्रभाव बहुत है। इसके अलावा रावघाट रेल परियोजना का धीमा काम भी वोटर्स की नाराजगी का कारण बना हुआ है। तो कल बस्तर के सभी 12 सीटों पर मतदान है। पिछले विधानसभा चुनाव में बस्तर में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी, पर इस बार राह उतनी आसान नहीं दिख रही है। पहले चरण के मतदान में 48 घंटे पहले यानी 5 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार थम गया है। पहले चरण के 20 सीटों पर दो अलग अलग समय पर मतदान होगा। नक्सल प्रभावित व संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान कल सुबह शुरू हो जाएगा, जहां 40 लाख वोटर्स 2023 उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। 2023 उम्मीदवार 20 सीट चुनाव मैदान पर तैनात हैं, जिसमें 198 पुरुष तथा 25 महिला है। पहले चरण के लिए 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 19,93,000 लगभग पुरुष हैं, 20,84,675 महिला मतदाता और 70 के करीब तृतीलिंग मतदाता शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापुर, कांकेर, केसकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर और कोंटा में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। वहीं बात करें पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में तो यहां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। राम राम, नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़